just beats. किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा सर, दिन भर क्या कुछ शेड्यूल है सर? डीएवी स्पोर्ट्स का जोनल लेवल टूर्नामेंट का आयोजन है, बीआरडीएवी पब्लिक स्कूल आईओसी बेगूसराय में। जैसा कि आप सबको पता है, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में लगभग 950 इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं। ये सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और इनका अपना गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको डीएवी स्पोर्ट्स 3 लेयर पर कराए जाते हैं, क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल एवं नेशनल लेवल। डीएवी स्पोर्ट्स डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत ये भारत सरकार के खेल एवं संस्कृति मंत्रालय से रिकॉग्नाइज्ड है और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ डीएवी स्टूडेंट्स को इम्पावरिंग करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। सर, आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, किस तरह से रोमांच है सर इस बार के आयोजन में, क्योंकि हर एक साल ये आयोजन होता है? ये प्रत्येक वर्ष होता है और प्रत्येक वर्ष रोमांच इतना ज़्यादा है कि एवरी ईयर ये 1:1.3 के रेशियो में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सर, कितने इवेंट्स इसमें होते हैं? सर, टोटल 30 इवेंट्स हैं और 30 में से 28 इवेंट्स डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स बिहार में हो रहे हैं। 2 स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसा है जो नहीं होता है, एक एरोबिक्स और दूसरा जिम्नास्टिक, बाकी सभी 28 इवेंट्स बिहार में होते हैं। और इस बार क्लस्टर लेवल पर 12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 4200 बच्चे जोनल लेवल पर खेलने के लिए आए। बेगूसराय में खुल गया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शिवायु, जहां एम्स दिल्ली के 2 प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से सभी आंख संबंधित रोगों का होता है बेहतर इलाज, जैसे सफेद एवं काला मोतियाबिंद, फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी एवं आधुनिक चश्मा। हमारा पता है बाघा मिलन चौक, बेगूसराय, बिहार। यहाँ के जो चैंपियन होते हैं वो स्टेट लेवल के ही चैंपियन होते हैं और यहाँ का जो चैंपियन है अब वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो नेशनल लेवल के विनर्स होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा 5,100 रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। और अगर वो बच्चे फ्यूचर में गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको पूरे कोचिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। सर, एक परिचय सर अपना। मेरा नाम रामाशीष राय है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल मेडिकल रोड गया भी। थैंक यू सर। बेगूसराय के प्रिंसिपल हैं के सिन्हा सर। सर, कितना रोमांच है सर लगातार ये जोनल स्पोर्ट्स का जो गेम हो रहा है सर आपके विद्यालय में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सर? पूरे बिहार के बच्चे यहाँ हैं? पूरे बिहार से हमारे पास बच्चे आए हुए हैं और इस वर्ष प्रीवियस ईयर के तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है और अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 3 लेवल्स पे ये बच्चे आए हैं, तो 3 गुना बच्चे अधिक आए हैं। केवल बॉयज़ की संख्या जो है वो 2000 से ऊपर है, 2100 के आसपास, और गर्ल्स की संख्या भी उतनी ही है। तो बॉयज़ का वेन्यू यहाँ पर रखा गया है और इससे जो स्टेट लेवल की टीम बनेगी वो बिहार की टीम होगी। अभी तक ये किसी न किसी स्कूल को बिलोंग करते हैं और कल को जब यहाँ मैच समाप्त होगा इसके बाद जो टीम बन जाएगी वो टीम बिहार डीएवी बिहार की टीम होगी और नेशनल स्पोर्ट्स में जब वो जाएंगी नेशनल लेवल पे खेलने तो नेशनल लेवल पे वहाँ पर बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। डीएवी की यह स्पोर्ट्स है, डीएवी स्पोर्ट्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, उससे रिकॉग्नाइज्ड है और साथ ही साथ इसकी मान्यता SGFI से भी मिली हुई है। इसलिए जो नेशनल स्पोर्ट्स में आएगा, जैसे सर ने बताया, वो बच्चे वहाँ SGFI में खेलेंगे और ये माध्यम है जिसके माध्यम से ये बच्चे जाएंगे। कन्वेनर कहें इस गेम्स के लिए, और चूँकि BRDAV होस्ट है तो मैं होस्ट प्रिंसिपल होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हर बच्चे जो यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी सुरक्षा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था ससमय सारा चीज़ होता रहे। हर चीज़ का टाइम शेड्यूल किया हुआ है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उन्हें मिलना है, डे टाइम में उनको लंच मिलना है 1 बजे, तो 1 बजे उनका लंच रेडी है, और 1 बजे ब्रेक होता है गेम्स में, उस समय बच्चे लंच लेते हैं, फिर 2 बजे रिज्यूम होता है, फिर आगे चलता रहता है। 4 से 5 के बीच में उनको रिफ्रेशमेंट मिलता है, और रिफ्रेशमेंट के बाद फिर अभी जैसे इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा गया कि जो भी अब दिन भर खेल के आए हैं तो थोड़ा उत्साहित हों, उनके उत्साहवर्धन के लिए ये रंगारंग कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम में बच्चे शिरकत कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है, और हर एक मेंबर इस विद्यालय के जितने भी टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं डे नाइट बिल्कुल अप टोज पे हैं, और हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को दी गई है। साथ ही साथ पूरे बिहार से हमारे जो प्रिंसिपल्स आए हैं, AROs आए हैं, RO आए हैं, सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, और हम सब मिलके इस पूरे आयोजन को सफल बना। कुछ भी आ रहा है उसमें पहला गोल्ड, दूसरा गोल्ड, तीसरा गोल्ड जो भी आया है मेडल इंडिया में, वह DAVN है, सारे DAV के प्रोडक्ट्स हैं, DAV के बच्चे हैं, और DAV के इसी माध्यम से वो ओलंपिक तक पहुंचे हैं। तो हमारे सारे बच्चों के लिए एक बड़ा सा ओपन फोरम है जहां पे ये ओलंपिक्स तक जा सकते हैं और दूसरे इंटरनेशनल गेम्स में जा सकते हैं। तो हमारे बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, आज कुछ गेम्स के फाइनल हो गए हैं जिनका भी हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और अभी कुछ प्राइज़ देना बाकी है। खाना खा के आराम किया, मॉर्निंग से कार्यक्रम शुरू हुआ है और कल ये समापन हो जाएगा, सारे गेम्स ओवर हो जाएंगे, और इसके बाद फिर बच्चे खाना पीना लेने के बाद अपने अपने वापस घर की ओर जाएंगे, अपने स्कूलों को जाएंगे। सिन्हा, प्रिंसिपल BRDAV पब्लिक स्कूल बेगूसराय। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर प्रशांत कश्यप, DM कार्डियोलॉजी। जहां हो छाती दर्द, सांसों का फूलना, चक्कर के साथ बेहोश होना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, या फिर बिना कारण पसीने आना, हार्ट अटैक और घबराने जैसी समस्याओं का होता है बेहतर इलाज। साथ ही उत्तर बिहार में पहली बार वर्ल्ड क्लास फिलिप कैथ लैब मशीन से होगा आपके बीमारियों का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर दिनेश सिंह, ज्योति कुंज, पी स्कूल के सामने, TV टावर के नजदीक, बेगूसराय। कोपुर में हमारे पदाधिकारियों ने आपको इसके कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे दी है, तो उत्साह जितना बच्चों में दिख रहा है उससे दुगना उत्साह हम लोगों में भी होता है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे बच्चे हमें प्राइड फील करा रहे हैं। स्पेसिफिकली जब टीम सिलेक्ट हो जाती है बिहार की, और वो बिहार जब जा करके नेशनल में परफॉर्म करती है और मेडल्स लेकर के आती है, वो सेलिब्रेशन, वो एक प्राइड मोमेंट होता है हम सब के लिए। और हमारी विशेज़ हैं कि हम इस बार ओवरऑल की ट्रॉफी लाएं वहाँ से जीत कर, और तब आप सबके सामने दोबारा एक बार एकत्रित हों और फिर इसका अच्छे से सेलिब्रेशन हो। मैम, आप इस BRDAV में प्रिंसिपल रह चुकी हैं और यहाँ भी आई हैं गेस्ट के रूम में, स्पोर्ट्स में, क्या कैसा लग रहा है? मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं सहयोगी के रूप में आई हूँ और अपनी टीम भी लाई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जहाँ पर नींव होती है, कैरियर की नींव, 11 साल यहाँ पर बिताए हैं, तो निश्चित रूप में यहाँ की एक एक ईंट से प्यार है, और अब जहाँ पर हैं वहाँ पर एक एक ईंट से लगाव है, तो जहाँ पर भी जाते हैं उसको अपना बना लेते हैं। और यहाँ पर रहने वाले बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं,
वो सब बहुत अच्छे से बहुत उत्साह के साथ रह रहे हैं और उत्साह के साथ अपना ग्राउंड में भी प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जो भी अभी तक की हम लोगों के स्पोर्ट्स और गेम्स ख़त्म हुए हैं उनमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो बच्चे रियलिटी में उनके पास बहुत मेहनत करके और बहुत हुनर है जिससे कि वो पूरे जोन का अपने अपने जोन को रिप्रेजेंट करके और अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और यहाँ से सिलेक्ट होकर के फिर नेशनल में जाएंगे। और मेरी विशेस हैं आप सबका दोबारा से निमंत्रण हो और हम लोग ओवरऑल ट्रॉफी जीत करके आए। स्टेट लेवल का कहाँ होने जा रहा है मैम, जब जो यहाँ से सेलेक्ट होगी टीम बिहार टीम वो कहाँ होना है? वो ओडिशा में होना है। ओडिशा में जी, अभी तो फिलहाल वेन्यू दिल्ली भी चल रहा है बात कि दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में होगा या फिर ओडिशा में कहीं पर होगा। थैंक यू।